नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, HPTGR का जो आंसर की का लास्ट पार्ट जो है इंग्लिश का तैयार हो चुका है। पूरा तो तैयार मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इस 21-22 क्वेश्चन ही मैं इसके सॉल्व कर पाया हूँ जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, द चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग विद अपलोम। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, दिस इज लक्रेटिव बिजनेस, दिस इज अ लक्रेटिव बिजनेस। तो इसका सही आंसर है 32 का ए ऑप्शन, प्रॉफिटेबल ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, द कोच वाज 2 लैक्स अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द टीम। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ही वाज ऑन पिंस एंड नीडल्स वाइल हिज वाइफ वाज अंडरगोइंग एन ऑपरेशन। तो इसका जो सही आंसर है 34 का वो है सी ऑप्शन, डिस्टर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्शंस चॉइस। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, द चॉइस ऑफ टेकिंग एदर द प्राइमरी ऑप्शन ऑफ और नथिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, टू बी अ गुड स्मारिटन। तो इसका जो 36 का सही आंसर है सी ऑप्शन है, आर जेन्युइनली कैरिटेबल पर्सन। जो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स। तो 37 का जो सही आंसर है ए ऑप्शन है, एक्सेप्ट डिफीट। इसका जो ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ह्यूमन सर्विस। तो इसका 38 का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, एक्सीलेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका जो 39 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। और क्वेश्चन नंबर 40 है, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद मी। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, ही रिमाइंड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इलाहाबाद इज अ डैश फ्रॉम जयपुर देन आगरा। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, फॉर अदर। तो इसके बाद दोस्तों 42 मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर 43 है, द करेक्ट फीमेल जेंडर फॉर हॉर्स। तो इसका डी ऑप्शन है, मेयर। और तो द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर बी। तो इसका सही आंसर जो है 44 का ड्रोन ए ऑप्शन। और दोस्तों क्वेश्चन 45 का जो सही आंसर, ऑब्स्टिनेट का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्टबर्न। और जो डिलीशियस 46 क्वेश्चन है उसका सही आंसर डी है, सही आंसर जो है डी ऑप्शन है, सेवरॉय। और उसके बाद दोस्तों 56 से लेकर 51 तक जो है मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। अब चलते हैं सीधे 52 पर। 52 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, रैबिट। तो सही आंसर करेक्ट बताना है तो रैबिट, चूहा। चूहा कहाँ रहता है? बोरो, बोरो होता है बेल। और
क्वेश्चन नंबर 53, 53 का सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, एलिफेंट ट्रम्प्ट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, 56 का जो आंसर है दोस्तों प्रिविलेज, प्रिविलेज की जो सही स्पेलिंग है वो है सी ऑप्शन, PRIVILEGE। और जो लाइब्रेरियन की सही स्पेलिंग है वो है ए ऑप्शन, LIBRTARIAN, लाइब्रेरियन। जो एम्पैथिक की सही स्पेलिंग है वो है बी ऑप्शन, EMPHATIC। और जो 59 का सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, एडवाइस। द प्राउड किंग टर्न्ड अ डीप ईयर टू द एडवाइस ऑफ वाइस काउंसलर। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, एडवाइस। और जो 60 क्वेश्चन है दोस्तों, 60 क्वेश्चन का भी आंसर जो है बी ऑप्शन है, पेन। तो ये थी दोस्तों आंसर की जो कि मैंने तैयार की है, पूरी तो मैं नहीं कर पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जितनी की है मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इसमें ठीक होंगे। इसी के साथ TGTRs की आंसर की जो है वो कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।